सर आपको जैसे कि पहले से ही संज्ञान में है आपके कि हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर अंडर वन रूफ का कंसेप्ट लाए थे 1983 में, और वो कंसेप्ट ये था कि पेशेंट को एक ही छत के नीचे रेडियोलॉजी की और पैथोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन की सुविधा एक ही छत के नीचे मिले। इसी के तहत हमने 83 में अपना एक्सरे क्लिनिक खोला था, फिर उसके बाद पैथोलॉजी लगाई, फिर उसके बाद सीटी स्कैन लगाया, एमआरआई लगाया, हमने पहला न्यूक्लियर मेडिसिन दिया यहाँ पे, गामा कैमरा दिया, और अब हमने वहाँ पे कार्डियोलॉजी की भी सर्विसेज सदर में दी हैं। ऐसे हमारे छोटे छोटे और भी यूनिट्स हैं। अब हमने पहली बार कहते हैं इस सुविधा का सोचा कि ये सुविधा टेली मेडिसिन, आपको पता है टेली रेडियोग्राफी एक ऐसी सुविधा हुई है कि आप दूर बैठे भी रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सीटी स्कैन की और एमआरआई की। तो हमने इसी तहत हम लोगों ने एक नया सेंटर, ये ग्रोइंग एरिया है जहाँ पे कोई भी अच्छी पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी सेंटर अंडर वन रूफ का कंसेप्ट नहीं है, तो हमने सोचा कारगिल वाला एरिया जो सिकंदरा बोला जयपुर हाउस ये सब एरिया जो है बहुत डेवलपिंग एरिया है, यहाँ पे काफ़ी जनता को रिक्वायरमेंट है, कॉमन लोगों की, उन लोगों की रिक्वायरमेंट देखते हुए हमने एक नया सेंटर बनाया। और हम यहाँ पे एक पहली बार ओपीजी के लिए और टीएमजी के लिए और जो हेड एंड नेक के रीजन है उसके लिए एक सीबीसीटी लाए हैं जिसमें 2D और 3D इमेजेस होंगी, जिससे कि यहाँ पे जो आगरा में जो 100 डेंटिस्ट हैं वो अच्छी अपना सर्विसेज दे पाएंगे उसकी डायग्नोसिस से। ये बिल्कुल जैसे हमने सदर में पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर है उसी का ही दूसरा स्वरूप है, और जो सर्विसेज हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब सर्विसेज यहाँ भी प्रोवाइड होंगी, और ये सेंटर पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का काम वहाँ जाएगा, इसका काम यहीं होगा, पेशेंट को यहीं पर काम करके रिपोर्ट मिलेगी, पूरे हर समय डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, उनका काम यहीं करके किया जाएगा, पेशेंट के पैप स्मियर्स, बायोप्सीज, FNACs हम सब यहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक कलेक्शन सेंटर बनाया, हमने पूरी फुल फ्लेजेड पैथोलॉजी बनाई है, जैसे सदर में है वैसे ही रेडियोलॉजी का पूरा सेटअप, कंप्लीट सेटअप है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, हम सब कुछ यहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जैसी सुविधा हम सदर में दे रहे हैं वैसे ही हम यहाँ भी प्रदान करें। आज यहाँ डॉक्टर पंकज स्कैनिंग पैथोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर है, नया डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित किया जा रहा है, डॉक्टर महेंद्र जी जो छावनी बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, उन्हीं के कार्यक्रम में मैं आई हूँ और इस डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन करने के लिए, और इसकी स्थापना के साथ ही मैं समझती हूँ कि लगभग आसपास के करीब 8 ज़िले, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, इटावा, ऐसे कई ज़िलों के जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको डायग्नोस्टिक सुविधाओं की आवश्यकता है इससे लाभान्वित होंगे, और आज अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित हो उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस तरीके से आज लोगों की स्वास्थ्य के संबंध में और डिजीज़ के संबंध में जागरूकता भी बढ़ रही है, तो सभी चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ उन्हें मिले।